एक थन वाली गाय। ये कहानी है सीतापुर गांव की, जहां रामू नाम का एक आदमी रहा करता था। रामू ने एक गाय पाल रखी थी जिसका नाम सुनहरी था। रामू सुनहरी को बहुत प्यार करता था और उसकी खूब सेवा किया करता था। रामू खेती बाड़ी का काम करके शाम को दूध निकालकर बांटने जाता था और फिर सुनहरी को ताजी ताजी घास चराने भी ले जाता था। एक दिन रामू की बीवी उससे बात कर रही होती है। अजी, जब से हमने सुनहरी को रखा है तब से हमारा काम बहुत ही अच्छा हो गया है। हाँ, तुम सही कह रही हो। जब से आई है ये इतना दूध देती है कि हमें बहुत पैसे मिलने लगे हैं। ज्यादातर गांव के लोग सिर्फ हमारे यहाँ से ही दूध ले रहे हैं। हाँ, भगवान ने हमारी गाय को आशीर्वाद देकर भेजा है कि वो बहुत सारा दूध देती है। हमारी सुनहरी जैसी गाय बहुत कम मिलती है। हाँ हाँ भाग्यवान, इसीलिए तो मैं सुनहरी को खूब अच्छी से अच्छी घास खिलाने ले जाता था, ताकि वो हमेशा ऐसे ही स्वस्थ रहे और अच्छा दूध देती रहे। हाँ जी, आपने सही कहा। फिर एक दिन सारी गाय घूम रही थी, तभी छमछम गाय वहाँ आती है और सुनहरी से बोलती है। अरे सुनहरी, तू तो बहुत किस्मत वाली है। तुझे ऐसा मालिक मिला है जो तुझे सारी अच्छी अच्छी जगह से ताजी ताजी घास खिलाने ले जाता है और तेरी पूरी सेवा करता है। सबको ये नसीब नहीं मिलता। हाँ बहन, बात तो तुम सही कह रही हो। मेरा मालिक मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं भी तो बहुत सारा दूध देती हूँ, वो उनके काम आता है और जब वो खुश होते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने मालिक के काम आ रही हूँ। हाँ, सही कह रही है। वैसे सुनहरी, हमारा मालिक तो बहुत ही कठोर है। वो तो हमें सूखी घास खिलाता है और घर से बाहर घास चराने भी नहीं ले जाता। सिर्फ हम पूरे दिन घर में ही पड़े रहते हैं, घूमने का मौका भी नहीं मिलता। कोई बात नहीं, तुम भगवान से प्रार्थना करो, सब सही हो जाएगा। हाँ, तुम सही कह रही हो। चलो अब हम अपने अपने घर चलते हैं, मालिक इंतजार कर रहे होंगे। सुनहरी सबसे अपनी तारीफ सुनकर और अपने मालिक की तारीफ सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और खुशी खुशी घर जाती है और मन ही मन भगवान से बोलती है। अन तेरा बहुत शुक्रिया मुझे ऐसा मालिक देने के लिए जो मेरा इतना ध्यान रखते हैं। फिर एक दिन सुनहरी ना ही घास चरती और ना ही किसी से बात करती, सिर्फ चुपचाप बैठी रहती। तब रामू उसकी चिंता करता है और बोलता है। अरे सुनहरी, क्या हो गया तुम्हें आज? ना तो तुम कुछ बात कर रही हो, ना ही कुछ खा रही हो। तभी पत्नी बोलती है। कोई बात नहीं जी, क्या पता आज इसका मन ना हो। आज आप इसका दूध भी मत निकालना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आज इसे आराम करने देते हैं। फिर दो तीन दिन रोज सुनहरी ऐसे ही व्यवहार करने लगी। तब रामू फिर बोलता है। रेखा, मुझे लगता है हमें सुनहरी को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। इसे काफी दिन हो गए हैं कि ये बहुत ही अलग बर्ताव कर रही है और दिन पर दिन कमजोर भी होती जा रही है। हाँ, आप सही कह रहे हो, हमें भी दूध का नुकसान हो रहा है। वो दोनों उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। तब डॉक्टर बोलते हैं। रामू, सुनहरी के थनों में कैंसर हो गया है, इन्फेक्शन काफी ज्यादा बढ़ गया है, इसी कारण हमें इसका एक थन काटना पड़ेगा। डॉक्टर, ये आप क्या बात कर रहे हो? आप मेरी सुनहरी के थन काट देंगे तो वो दूध कैसे देगी? ये समय ऐसी बातें करने का नहीं है, हमें जल्दी ऑपरेशन करना होगा। फिर डॉक्टर सुनहरी के थन काट देते हैं। तब रामू पूछता है। डॉक्टर, मेरी सुनहरी तो एकदम स्वस्थ है ना? और मैं उसे रोज ताजी ताजी घास खिला रहा था, वो भी अलग अलग जगह की, फिर भी कैंसर कैसे हो गया? हाँ, हो सकता है ताजी घास से भी इसके पेट में कोई ऐसा कीड़ा चला गया हो जिसने इसके पेट में इन्फेक्शन कर दिया हो और वही इन्फेक्शन कैंसर बन गया। तभी रेखा बोलती है। अब क्या होगा हमारी सुनहरी का? ये ठीक तो हो गई ना? हाँ, डरने वाली कोई बात नहीं है, हमने बस इसका एक थन ही काटा है, आप उसे घर ले जा सकते हैं।
रामू और रेखा सुनहरी को घर लेकर चले जाते हैं। रामू अपनी बीवी से कहता है, अब हम सुनहरी का कुछ दिन दूध भी नहीं निकाल सकते, इसकी तबीयत खराब है। हाँ, पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारी सुनहरी को, इतना सारा दूध दिया करती थी, अब पता नहीं क्या होगा। फिर वो कुछ दिन बाद सुनहरी का दूध निकालते हैं, तभी सुनहरी कमजोरी से गिर जाती है। वो एक बार फिर उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपने तो बोला था कि ये बिल्कुल सही है, पर ये तो गिर गया। बताओ क्या हुआ मेरी सुनहरी को, कोई डरने वाली बात तो नहीं है? डॉक्टर चेकअप करके बोलते हैं, सुनहरी गर्भवती है और साथ ही कमजोर भी, इसी कारण वो गिर गई। अरे वाह, क्या खबर सुनाई डॉक्टर साहब आपने, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। रामू और रेखा दोनों खुशी खुशी घर चले जाते हैं, पर सुनहरी अब एक ही थन से इतना कम दूध दे रही थी कि उसका मालिक सोच में पड़ जाता है। सुनहरी अब कम दूध दे रही है और साथ ही इसके खाने का खर्च ज्यादा हो रहा है, अब मैं एक काम करता हूँ, इसे घर ही चारा दे दिया करूँगा, इससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा, वैसे भी ग्राहक तो आधे ही हो गए हैं। मालिक ऐसा ही करते हैं। फिर कुछ महीनों बाद सुनहरी को एक बछड़ा हो जाता है, मगर सुनहरी का दूध उसका मालिक निकाल कर ले जाते हैं, इसी कारण उसका बच्चा भूखा ही रह जाता है। एक दिन बच्चा भूख से तड़प रहा था। माँ माँ, मुझे भी भूख लगी है, दूध पिला दो। बछड़ा दूध पीने की कोशिश करता है, पर सुनहरी के एक ही थन था और उसमें भी दूध नहीं आया। बच्चा रोने लगा, माँ सबकी माँ के चार थन हैं और आपका एक ही, और सब अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, आप मुझे भूखा रखती हो, मैं भूख से तड़पता रहता हूँ। मेरे बच्चे, मैं क्या करूँ, एक तो भगवान ने मुझसे मेरे सारे थन ले लिए, एक ही थन है अब मेरे पास, ऊपर से मालिक सारा दूध ले लेते हैं, अब कहाँ से तुझे दूध पिलाऊं? जिसकी वजह से उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, और सुनहरी का मालिक अब उसे ताजी ताजी घास खिलाने भी नहीं ले जाता, वो बस घास काट कर रख देता है, वो ताजी भी नहीं होती थी। मैं क्या करूं, मेरा बच्चा तो भूखा ही रह जाता है, सारा दूध तो मालिक ही निकाल कर ले जाते हैं, अब मैं क्या करूंगी, कैसे अपने बच्चे का पेट भरूं? सुनहरी ये बात मालिक से कहती है, तब उसका मालिक बोलता है, सुनहरी मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हारी बीमारी में बहुत खर्चा हुआ है और अब तुम आधा ही दूध देती हो, जिसके कारण मेरा बहुत नुकसान हो गया, बहुत ग्राहक छूट गए हैं, और जो दूध तुम देती हो उससे ही घर का काम चलाना पड़ रहा है, और ऊपर से अभी तुम्हारा ये बच्चा भी है, इसको भी घास खिलानी पड़ती है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दो, पर तुम्हारे बच्चे को भूखा ही रहना पड़ेगा, ये गाय होती तो आगे जाकर मुझे दूध देती, पर ये तो बछड़ा है। ये सब सुनकर सुनहरी मन में बोली, मालिक को क्या हो गया, मालिक तो बहुत अच्छे थे और आज ये ऐसी बातें कर रहे हैं। कुछ महीने ऐसे ही बीत जाते हैं, सुनहरी बहुत तंग हो जाती है और भगवान से बोलती है, हे भगवान, कुछ तो चमत्कार कर दे कि मेरा बच्चा भूखा ना रहे, मुझे बहुत दुख होता है जब भी ये दूध मांगता है और मेरे पास नहीं होता, और भगवान अगर कुछ नहीं कर सकते तो मुझे मार दे, एक माँ होकर भी अपने बच्चे का पेट मैं नहीं भर सकती, तो मुझे जीने का हक नहीं है, आपने मुझसे मेरा एक धन छीन लिया, मैंने कुछ नहीं कहा, पर अपने बच्चे का खाली पेट मैं नहीं देख सकती। सुनहरी का बच्चा भूख से तड़प रहा था, ये देखकर सुनहरी बहुत रोती है, तभी एक तेज रोशनी चमकती है, और अगले दिन से जब सुनहरी का मालिक उसका दूध निकाल कर ले जाता है, और बाद में जैसे ही बछड़ा दूध पीना शुरू कर देता है, सुनहरी के एक ही थन में इतना सारा दूध निकलता है कि मानो दूध निकला ही ना हो, अब उसके बच्चे का पूरा पेट भर जाता है और वो शांति से सोता है। ये देखकर सुनहरी बोली, भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बात सुन ली और एक थन होने के बाद भी मेरा बच्चा भूखा नहीं है। भोला और चंदा सेठ की कैद से आजाद होकर अपनी एक अलग दुनिया बसाने चले थे। दोनों बहुत खुश थे
कि एक साथ हैं और अपनी एक अलग दुनिया बसाएंगे, लेकिन उनकी खुशी में बाधा डालने वाली अब ये कड़ाके की ठंड आ गई थी। भोला देखो ना कितनी ठंड पड़ रही है, हम घर से तो निकल आए, सेठ जी की कैद से तो आजाद हो गए, मुझे इस बात की बहुत खुशी है, लेकिन हम इतनी ठंड में जाएंगे कहाँ, और अभी मुझे बच्चा भी तो होने वाला है, इस समय मुझे बिल्कुल ठंड नहीं लगनी चाहिए, ना हमारे पास अभी घर है और ना ही रहने का ठिकाना। हाँ चंदा, मैं जानता हूँ इस समय तुम्हारी बहुत देखभाल करने की जरूरत है, पर तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। बहुत दूर चलने के बाद चंदा को एक लावारिस झोपड़ी दिखती है। चंदा झोपड़ी को देखकर बहुत खुश हो जाती है। भोला देखो तो यहाँ झोपड़ी है, शायद ऊपर वाले ने हमारे लिए ही बनाई हो, हमारे पास कोई घर नहीं था रहने के लिए, इसलिए ऊपर वाले ने हमें इस झोपड़ी तक पहुँचाने की राह दिखाई। हाँ चंदा तुम ठीक कहती हो। रहने के लिए भोला और चंदा को घर तो मिल गया था, लेकिन घर में रहने के लिए, ठंड से बचने के लिए और खाने के लिए कुछ नहीं था। बाहर इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही थी कि ठंड के मारे किसी की भी जम के कुल्फी बन जाए। चंदा तुम चिंता मत करो, सुबह होते ही मैं कुछ अच्छा सा काम ढूंढ लूंगा और तुम्हारे लिए कुछ गर्म कंबल लेकर आऊंगा। हाँ भोला ठीक है। पूरी रात दोनों ठंड में कांप रहे थे, पर दोनों बहुत समझदार थे, दोनों ने एक दूसरे को शिकायत तक का मौका नहीं दिया और अपने अपने मन में सोच रहे थे। मुझे ठंड तो बहुत लग रही है, लेकिन मैं भोला को बताऊंगी नहीं कि मुझे बहुत ठंड लग रही है, अगर मैंने उसे बताया तो उसे बहुत चिंता हो जाएगी। चंदा मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत ठंड लग रही है, लेकिन क्या करूँ, बस सुबह होने का इंतजार करता हूँ, सुबह मैं कोई ना कोई इंतजाम कर लूंगा और किसी भी हाल में तुम्हारे लिए कंबल लेकर आऊंगा। रात भर चंदा को ठंड में ठिठुरता हुआ देख भोला सुबह सुबह ही काम ढूंढने के लिए निकल जाता है। अरे ये भोला कहाँ गया इतनी सुबह सुबह? पूरा दिन काम ढूंढने पर भी भोला को काम नहीं मिलता है, बस कहीं थोड़ा सा खाने को मिल जाता है, उसे भी वो चंदा के लिए ले आता है। अरे भोला आ गए तुम, कहाँ चले गए थे सुबह सुबह और वो भी बिना बताए? मैं काम ढूंढने गया था, लेकिन मैं किसी के काम का नहीं हूँ, मुझे कोई भी काम नहीं मिल रहा, तुम पूरी रात ठंड में कांप रही थी, थर थर रही थी, सोचा सुबह जाकर कुछ काम ढूंढ के पैसे कमा कर आऊंगा, लेकिन पूरा दिन काम ढूंढने पर भी मुझे कोई काम नहीं मिला, तुम ठंड में कैसे रही होगी, इस समय तुम्हें ठंड नहीं लगनी चाहिए, बहुत जरूरी है कि तुम्हारी अच्छे से देखभाल हो। हाँ तुम चिंता क्यों करते हो, सब ठीक हो जाएगा, इतनी जल्दी हार मत मानो, अभी तो तुम एक दिन काम देखने गए थे, कल फिर से चले जाना, और रही ठंड की बात तो इतनी भी ठंड नहीं है जितना तुम कह रहे हो। ठंड तो बहुत थी, लेकिन चंदा भी भोला को दिलासा दे रही थी कि उसे ठंड नहीं लग रही है, ताकि भोला चिंता ना करे। कल फिर से चले जाना काम देखने। हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो, चलो वो तो मैं कल देख लूंगा, लेकिन उससे पहले ये लो, खाने के लिए तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ, मैंने पेट भर खा लिया था, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, खा लो। भोला तुम तो अच्छे से झूठ भी नहीं बोल पाते, फिर क्यों मुझसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो, मुझे पता है तुमने कुछ नहीं खाया है, चलो साथ मिलकर खाते हैं, जितना जितना भी हिस्से में आएगा। चंदा तुम हमेशा से मेरा झूठ पकड़ लेती हो ना। फिर दोनों मिलकर खाना खाते हैं। आधी रात के बाद ठंड और ज्यादा बढ़ जाती है। चंदा सुना है शहर की ओर बर्फबारी हुई है, जिससे तेज हवाएं इस ओर भी आ रही हैं, इसलिए आज रात कुछ ज्यादा ही ठंड लग रही है। हाँ हाँ भोला तुम सही कह रहे हो। तभी तेज हवा से झोपड़ी का दरवाजा ही टूट के गिरता है, जिससे अंदर और तेज हवा आने लगी, ठंड लगने लगती है। अरे रे रे दरवाजा टूट गया, पहले क्या कम ठंड थी जो अभी इस दरवाजे को भी टूटना था, अब क्या करें? तुम चिंता ना करो चंदा, मैं देखता हूँ। भोला टूटे हुए दरवाजे को खड़ा कर देता है और उसको दरवाजे के साथ लगा के पीछे से एक बड़ा सा पत्थर लगा देता है, जिस वजह से फिर हवा अंदर ना आने लगी। हाँ चलो अब हवा तो अंदर नहीं आएगी ना। चंदा तुम्हें बहुत ठंड लग रही है ना,
पर तुम जानबूझकर मेरे साथ शिकायत नहीं कर रही हो ताकि मैं चिंता ना करूं। सच कहूं भोला तो हाँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, लेकिन मुझे अपनी चिंता नहीं, अपने होने वाले बच्चे की चिंता है। अगर मुझे ठंड लग गई, मेरी तबीयत खराब हो गई, तो न जाने हमारे बच्चे का क्या होगा। नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ, मैं कंबल लेकर ही आऊंगा, तुम चिंता ना करो। अगली सुबह भोला जब घर से बाहर निकलता है तो ये सोचते हुए ही निकलता है कि उसे चाहे काम मिले या ना मिले, लेकिन वो कंबल जरूर लेकर आएगा। नहीं, आज मुझे खुद की ठंड के बारे में नहीं सोचना है कि मुझे ठंड लग रही है, मुझे ठंड नहीं लग रही है, मुझे बस और बस चंदा और अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचना है। उसे ठंड नहीं लगनी चाहिए, मुझे चंदा के लिए कंबल लेकर ही जाना होगा। एक कंबल वाले भैया के पास जाता है और उससे कंबल मांगता है। हाँ भाई साहब, क्या आप मुझे एक कंबल दोगे? हाँ भाई, ले लो, मेरे पास बहुत सारी वैरायटी के कंबल है, अलग अलग भाव में है, तुम्हें कौन से भाव का कंबल चाहिए बताओ। भाई साहब, मेरे पास पैसे तो नहीं है, पर हाँ मैं बहुत जल्द काम ढूंढ लूंगा और पैसे कमा के तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। अभी मेरी पत्नी के लिए कंबल की बहुत जरूरत है, मेहरबानी करके मुझे कंबल दे दो। पैसे नहीं है तो कंबल भी नहीं है, रोज तुम्हारे जैसे यहाँ पर आते हैं, सबको उधार देते फिरेंगे तो हमारा कारोबार कैसे चलेगा, फ्री का माल समझ रखा है क्या? चलो जाओ यहाँ से, चलो चलो। दुकानदार भोला को वहाँ से बेइज्जत करके निकाल देता है। भोला उदास होकर वहाँ से आ जाता है। मैं किस मुंह से घर जाऊंगा, चंदा को क्या जवाब दूंगा, मैंने उससे वादा किया था कि आज मैं उसके लिए कंबल लेकर ही आऊंगा, लेकिन मैं उसे क्या जवाब दूंगा कि उसका पति कितना निकम्मा है। हे भगवान, कितनी सर्द हवाएं चल रही है, आज तो कुछ ज्यादा ही ठंड है, ऊपर से भोला इतनी ठंड में काम ढूंढने गया है, कहीं उसे सर्दी जुकाम ना हो जाए। बस वो हमेशा मेरे बारे में ही सोचता है, अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखता। मैं एक काम करती हूँ, भोले के लिए एक चादर ले लेती हूँ, जिसे ओढ़ के भोला काम पर जाया करेगा, क्योंकि उसे बाहर रहना होता है तो उसे ज्यादा ठंड लगेगी, मैं तो घर पर ही हूँ। चंदा अपनी झोपड़ी से बाहर निकलती है और सोचती है कि वो भी किसी तरह से चादर ले ले, जिसे ओढ़ के भोला काम पर जाया करेगा, लेकिन पैसे ना होने के कारण वो चिंता में भी बहुत थी। मैं चादर लेने का सोच रही हूँ, लेकिन पैसे ही नहीं है, मैं चादर लूंगी कैसे। तभी चंदा देखती है कि एक चादर वाला बुजुर्ग चादर बेच रहा है और उससे दो तीन गौ चादर खरीद रही हैं। चंदा भी उनके पास आने लगती है और देखने लगती है, लेकिन पैसे ना होने के बाद बुजुर्ग से कुछ कह नहीं पाती, बस चुपचाप खड़ी होकर लाचारी से चादरों को देखती है। हाँ बेटा, कहो क्या तुम्हें भी चादर लेनी है? अरे बाबा, इससे क्या पूछते हो तुम, ये तो बहुत गरीब है, इसकी क्या औकात है ये इतनी महंगी चादर ले पाए। हाँ बहन, तुम सही कह रही हो, इन गरीबों की क्या औकात कि इतनी महंगी महंगी चीजें खरीद सके। ऐसे ही किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाया करते, आज वो चादर खरीदने के लायक नहीं है, लेकिन हो सकता है कल वो तुमसे बेहतर हो जाए। चंदा उन सब की बातें सुनकर खूब रोने लगती है। बेटी तू पैसे मत दे, ये बता क्या तुझे चादर चाहिए? हाँ बाबा, मुझे चादर चाहिए, मेरे पति रोज ठंड में बाहर जाते हैं, वो बीमार हो जाएंगे, उन्हें सर्दी लग जाएगी, लेकिन चादर खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तुम चिंता ना करो बेटी, मैं तुम्हें एक ऐसी पुरानी चादर दूंगा, इसके मुकाबले इनमें से एक भी चादर नहीं है, मैं तुम्हें अपनी पुरानी चादर देता हूँ। शुक्रिया बाबा, आप कितने अच्छे हैं, जब मेरे पास पैसे होंगे ना और आप कभी फिर लौट कर चादर बेचने आओगे तो मैं आपके पैसे जरूर लौटा दूंगी। बुजुर्ग चंदा को अपनी पुरानी चादर दे देता है। चंदा बहुत खुश हो जाती है कि पुरानी ही सही, लेकिन चादर तो आई, अब वो अपने पति को चादर उड़ाएगी जिससे उसे ठंड नहीं लगेगी। दूसरी तरफ बैल रात को ऐसे मुंह लटकाए शर्मिंदा होकर घर वापस आता है। आ गए आप? हाँ आ गया मैं, पर आज भी मैं तुम्हारे लिए कंबल लेकर नहीं आ पाया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ चंदा। अरे कोई बात नहीं, पर आपको क्या हो गया है, आप ऐसे कपकपाते हुए बातें क्यों कर रहे हैं,
कहीं आपको ठंड तो नहीं लग गई है? हे भगवान, आपका माथा इतना गर्म है, आपको तो बहुत सर्दी हो गई है, ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा आपसे। इतने में बैल गिर के जमीन पर बेहोश हो जाता है। तभी चंदा देखती है कि भोला को बहुत सर्दी हो गई है और बुखार भी हो गया है। जल्दी से जाकर वो कंबल ले आती है और भोला को उड़ा देती है। कंबल की गर्मी से थोड़ी देर में भोला को होश आ जाता है। आ, आ, अरे ये चादर कहाँ से आई? चंदा भोला को सारी बात बताती है। भोला बहुत खुश हो जाता है कि चंदा ने उसके लिए चादर ली है। देखते ही देखते भोला का बुखार, जुखाम, ठंड सब कुछ मिनटों में गायब हो जाता है। एकदम से मेरी सर्दी, जुखाम, बुखार कैसे गायब हो गया? ये तो कोई करामाती कंबल लग रहा है। हाँ भोला, तुम सही कह रहे हो, मुझे भी यही लग रहा है। मुझे तो वो बाबा भी कोई भगवान से कम नहीं लग रहे, जो भगवान बनकर हमारे घर आए और मुझे अपनी जादुई कंबल दे दी। फिर वो उसे चादर दे देती है और अगले दिन भोला काम के लिए निकलता है। उसी दिन भोला को काम भी मिल जाता है। धीरे धीरे करके भोला का काम इतना अच्छा चलने लगता है कि वो कंबलों की दुकान खोलता है और कंबल बेचने का काम करता है। वो देखते ही देखते बहुत अमीर हो जाता है और साथ में और गरीबों और शहर में जो ठंड में ठुठुर रहे हैं उन्हें वो फ्री में कंबल बांटने लगा। थोड़े दिनों में चंदा एक प्यारे से बछड़े को भी जन्म देती है। भोला, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज हमारा परिवार पूरा हुआ और धीरे धीरे करके सब ठीक हो जाएगा। हाँ चंदा, तुम सही कह रही हो, अब देखना आगे आगे हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। दोस्तों, हमारी स्टोरी को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अब इसके अगले भाग में हम आपको ये दिखाएंगे कि भोला और चंदा की वो करामाती जादुई चादर कैसे चोरी हो जाती है और कौन उन्हें चुरा के ले जाता है। यदि आप ऐसी कहानियाँ और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।